जब दिल चाहे कुछ स्वादिष्ट खाने का तो सब्सक्राइब करें चैनल स्वाद दिल्ली का, और मेरी वीडियो आपसे कोई मिस ना हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। इट्स टोटली फ्री। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि सर्दी में आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और ये बहुत ही हेल्दी है। आज हम बात करेंगे सीसमे सीड्स। जी हाँ, सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल और काले तिल दो तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप सफ़ेद तिल खाएंगे तो ये आपको आसानी से डाइजेस्ट भी होंगे और इसके फ़ायदे भी होते हैं। आप काले तिल भी खा सकते हैं, लेकिन काले तिल थोड़े इससे ज़्यादा गर्म होते हैं। तो सफ़ेद तिल के खाने के आज मैं आपको फ़ायदे बताऊँगी, इसके कितने बेनिफिट्स हैं। व्यूवर्स, हमें इसे सर्दियों में कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में इसकी थोड़ी जो तासीर होती है थोड़ी गर्म होती है, तो जब 20 डिग्री टेम्परेचर हो तो हम इसे खा सकते हैं। व्यूवर्स, हमें इसे 1 से 2 टीस्पून डेली अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि इसे खाने से हम काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं और ये हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। ये हमें डायबिटीज़ से बचाता है। इसे खाने से डायबिटीज़ नहीं होती और जिनको डायबिटीज़ है उसे वो कम कर सकते हैं इसे खाकर, और इससे हमें एनजाइटी यानी जो हमें मेंटल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होती है, उससे हम बच सकते हैं। कैंसर से बचा जा सकता है इसे खाकर। इससे हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है या ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा बढ़ जाता है या प्रोटीन उनके ब्लड में आ जाता है तो उसे खाने से ये भी कम हो जाता है। काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल करता है, ना हाई होने देता ना लो होने देता, और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चों की बोन डेंसिटी बढ़ाता है, उनकी हाइट को बढ़ाता है। इसके अंदर विटामिन ई होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं जो हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। तो सर्दियों में आप इसे किसी भी गुड़ के साथ अगर आप इसे खाएं, जैसे हम गजक में खाते हैं या कोई रेवड़ी या कोई भी मीठी चीज़ उसमें खाते हैं, तो हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक मैजिकल है। आप इसे खाएं, बहुत ही छोटे दिखते हैं लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही भरपूर हैं। इसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ में यानी जिन्हें अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ही फ़ायदा देते हैं। ये कैंसर क्योर करता है और इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से, अगर हम इसका ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे बालों के लिए। अगर आप इसे थोड़ा 2 बूंद अपने चेहरे पर लगाएं तो आपका चेहरा जो है काफ़ी निखर जाता है, हमें एक्ने से बचाता है, ड्राई स्किन से बचाता है। काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं और बालों पर लगाने से भी काफी बेनिफिशियल होता है ये। बस तो जरूर इसे आप अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसे खाना चाहते हो, थोड़ा टेस्टी भी बनाना चाहते हैं, तो आप इसे भून सकते हैं। ड्राई से भून लीजिए और थोड़ा थोड़ा इसे दिन में कभी भी किसी भी टाइम। तो व्यूअर्स, बस अभी से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और बहुत ही सस्ते होते हैं, ज्यादा महंगा नहीं होता है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो रखिए अपने दिल का और चेहरे का ख्याल इस छोटे से सफेद तिल की हेल्प से, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर करें और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए मेहमान हैं प्लीज़ सब्सक्राइब स्वाद दिल्ली का, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।